नमस्कार, हूँ आदर्श चो। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 12, एक नई शुरुआत। सुप्रभात बाल मित्रों, इस पार्ट में हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। प्रोफेसर रामेश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा। ओर देखा मतलब तरफ देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते, यकीन मतलब विश्वास कर लेना चाहते हैं कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बात शेयर की जा सकती है या नहीं। अर्थात उन्होंने माधवन को देखा और उस पर विश्वास करना चाहते हैं कि क्या मैं अपने इस प्रोजेक्ट की बात है उसको बता सकता हूँ, शेयर करना मतलब अपनी बात है उसे बता सकता हूँ। उन्होंने माधवन के चेहरे की तरफ देखा अथवा नहीं, यह विचार कर रहे थे कि क्या मैं अपने इस प्रोजेक्ट की बात माधवन को बताऊं या नहीं बताऊं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति मतलब आनंद, मिस्टर आनंद मेहता जो उनके जिगरी दोस्त थे, उनके द्वारा, उनकी सिफारिश के द्वारा माधवन है वह प्रोफेसर रामेश के पास आया था। अर्थात उन्होंने स्वीकृति दे दी थी, संस्तुति देना यानी मंजूरी दे दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांक कर उसे परख लेना उचित समझा। उसे उन्होंने आंखों में देखकर कहा कि क्या यह लड़का है उसे मैं अपने इस प्रोजेक्ट की बात बताऊंगा तो कोई नुकसान तो नहीं है, यह बात उसकी आंखों में देखना चाहते थे। उन्होंने लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी अपने सपनों के प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अर्थात प्रोफेसर रामेश ने अपने जो प्रोजेक्ट के बारे में बताया था उसकी बातें सुन सुनकर माधवन है वह बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो असंभव को संभव बनाने जा रहा था। तो उनकी बातें सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा अचरज में पड़ गया। आखिर जब उससे रहा ना गया तो वह पूछ ही बैठा कि सर क्या वास्तव में ऐसा संभव है, क्या ये ऐसा हो सकता है कि मानव प्रक्षेपण यंत्र क्या था कि मनुष्य के शरीर को तरंगों में विभाजित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ऐसा उन्होंने मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाया था। अब ये कार्य है, अभी तक हम किसी भी परमाणु वगैरह को हम यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, भेज सकते हैं या किसी भी ऊर्जा को, परंतु क्या मनुष्य के शरीर को भी हम रूपांतरित कर सकते हैं, ये एक असंभव कार्य था और उसे संभव बनाना था। इस बातों को सुनकर माधवन को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ, उससे रहा नहीं गया, इसलिए उसने क्या किया और सर से पूछा कि क्या सर ऐसा संभव है कि आप मनुष्य के शरीर को रूपांतरित कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। यही उसके लिए सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय था। प्रोफेसर रामेश ने माधवन की ओर यानी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? हाँ, भेजा जा सकता है। कहते हुए प्रोफेसर रामेश एक क्षण के लिए मतलब एक पल के लिए रुक गए, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रिया मतलब जब कोई क्रिया होती है, किसी भी प्रकार की क्रिया होती है तो उसके विरोध में सामने कोई दूसरी क्रिया होती है तब हम किसे कहते हैं प्रतिक्रिया। तो जब प्रोफेसर रामेश ने जब उनसे यह बात बोली कि हाँ ये संभव हो सकता है, तो माधवन ने उसका कोई भी पलटकर जवाब नहीं दिया या वह चुप ही रहा। ना होने पर वे रुके नहीं, उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में पढ़ा ही होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। कोई भी वस्तु यानी चीज़ है वो किससे? अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं, तो अणु है वो किससे मिलकर बनेंगे? तो अणु है वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। और किसी भी परमाणु का को आकार मिलता है और उसके भीतर मौजूद परमाणुओं के भीतर क्या मौजूद रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। किसके कारण आकार किसके कारण मिलता है उन्हें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। ये सब किसमें? कक्षा 5वीं में पढ़ा है। हाँ, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है,
माधवन ने क्या कहा, हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा मामूली बात है। माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया, समर्थन करना यानी उनकी बात पर सहमति जताई या हाँ ये बात आपकी सही है, इस बात की उन्होंने पुष्टि की। यदि हम किसी वस्तु की संरचना को समझे, अर्थात उसकी बनावट को किस तरह से बनी गई है, इस बात को हमें समझने में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, हम उस वस्तुओं के अणुओं परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। कोई वस्तु कैसे बनी है इस बात की हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अणुओं का और उसके परमाणुओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना यानी उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया, अर्थात उन्होंने अपनी बात आगे जारी रखते हुए बोलना शुरू किया। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कल पुर्जों की बनावट उनके कार्य करने की विधि है, अर्थात कल पुर्जे मतलब मशीन के अंदर के जो पुर्जे होते हैं ना उसे क्या कहते हैं, कल पुर्जे। जब कोई भी मशीन है वह चलती है तो वो कल पुर्जों के द्वारा ही चलती है ना, मशीन के अंदर जो पुर्जे होते हैं उसके द्वारा वो मशीन चलती है, और हर एक पुर्जे को अपना अपना कार्य होता है, वो अपने अपने विधि के अनुसार, विधि यानी तरीके से या रीति से अपना कार्य करता है। माधवन मूर्तवत यानी मूर्ति की खड़ा हुआ प्रोफेसर रामेश की बात सुन रहा था। वह जैसे मूर्ति है, मूर्ति बिना किसी हलन चलन के स्थिर होकर किस तरह से खड़ी रहती है, वैसे प्रोफेसर रामेश की बात है वह माधवन भी चुपचाप खड़ा सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य, उन्होंने अपनी बात जारी करते रहते हुए कहा, यह तो रही बनावट की बात, अर्थात वो कैसे बनाई जाती है उसकी बात है। अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजना, तरंग मतलब लहर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, जो ऊर्जा है वह कभी भी उसकी नाश नहीं होता, परंतु उसे हम बदल सकते हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर बदलते समय हम उसे रूपांतरित कर सकते हैं, जैसे कि हाँ उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, स्वरूप यानी उसका आकार हम उसे बदल सकते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। किसे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और आणविक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, परंतु वह उसका स्वरूप बदल जाएगा पर ऊर्जा क्षमता उस कार्य करने की शक्ति कभी भी नष्ट नहीं होगी। अब हम आणविक ऊर्जा के उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त होती है या प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इसमें हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, अर्थात जो उसका मूल तत्व है उसको हम तोड़ डालते हैं, और अगर किसी वस्तु के मूल तत्वों में उसे विभक्त किया जा सकता, विभक्त करना यानी अलग अलग किया जा सकता है, तो उन मूल तत्वों को वापस जोड़कर उस तत्व को दोबारा मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात कोई भी मूल धातु है उसे हम विभक्त करने के लिए जब हम उसे तोड़ते हैं तो उसे अलग अलग किया जा सकता है, पर जैसे ही उस धातु को हमें पहले जैसा स्वरूप देना हो तो वापस हम उस स्वरूप में उसे ला सकते हैं। ये बात सही है। ओके, अब जस्ट मैं आप लोगों तो विज्ञान के चैप्टर में ये सब आता ही है, पर थोड़ा सा हम देखें कि जैसे सोना है या कोई यूरेनियम कोई भी धातु, उसको लिक्विड फॉर्म कर दो, ये सोने की धातु है तो चलो सोना है उसको आप लिक्विड फॉर्म कर दो ठोस को, और उसको द्रव्य रूप में हो गया, फिर द्रव्य के बाद हम उसे लिक्विड करने के बाद फिर हम उसे जमाएंगे तो सोना है वो अपनी मूल धातु में ठोस बनकर आ जाएगा, और जब हम उसे गर्म करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, बह जाएगा टुकड़े टुकड़े में, अगर हम उसे तोड़ेंगे तो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा, पर लिक्विड करने के बाद फिर एक उसमें मोल्ड में डाल देंगे तो सोने का टुकड़ा है वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे कि हम उसे बदल सकते हैं पहले लिक्विड फॉर्म में उसमें, परंतु हम ये सिर्फ मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रही हूँ, पर हम वापस उसे मूल अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। हाँ यह तो है ही, माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया, अर्थात उसकी बात की पुष्टि की, हाँ ऐसा हो सकता है। प्रोफेसर रामेश ने अपनी बात
है, यह भी तो मालूम है कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर भी है वो विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना है। हालांकि किसी भी वस्तु और जीवित प्राणियों की संरचना में अंतर होता है, अर्थात कोई वस्तु है उसकी बनावट में अंतर होता है और जीवित यानी चलते फिरते आदमी की संरचना, संरचना मतलब अनेक अवयवों से बनी हुई रचना, अवयवों वाली रचना। अब स्वाभाविक है कि कोई निर्जीव वस्तु है वह किस तरह से बनी है और एक सजीव मतलब हम कैसे बने हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है, लेकिन अंतर यानी फर्क होता है। लेकिन जो बातें किसी वस्तु के ऊपर लागू होती है वही जीवित प्राणियों पर भी लागू होती है, अर्थात जिस तरह से वस्तु को टुकड़ों में विभक्त करके हम वापस उसे मूल अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रोफेसर रामेश का मानना था कि हाँ हम मनुष्य के साथ भी यही क्रिया कर सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्व में विभक्त करके, विभक्त यानी अलग करके और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल स्वरूप को पाया जा सकता है, यानी किसी भी जीवित प्राणी को या किसी भी वस्तु को हम के उसके मूल तत्वों से अलग विभक्त करना मतलब अलग करके और उसे वापस जोड़कर उसी अवस्था में हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जीवित प्राणियों के साथ भी यही प्रक्रिया यानी जो क्रिया हम वस्तु के साथ करते हैं यदि वही क्रिया हम मनुष्य के साथ करें वही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है अर्थात की जा सकती है, लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया और पहली प्रक्रिया से के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कठिन और श्रम साध्य है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, मेहनत वाली है और बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि किसी वस्तु को तोड़कर उसको विभक्त कर उसे मूल अवस्था में पाना आसान है, परंतु किसी मनुष्य को तरंगों में विभक्त करना और वापस उसी अवस्था में उसका पूरा शरीर लेकर आना बहुत ही ज़्यादा कठिन जटिल यानी बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। कहते हुए प्रोफेसर रामेश ने एक लंबी सांस ली, अर्थात जब उन्होंने अपनी पूरी बात माधवन को बताई तो वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो गया कि किस तरह से किसी वस्तु को हम अलग करने के लिए उसे विभक्त कर देते हैं और वापस उसे जोड़कर हम उसकी पहली जैसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं उस वस्तु को। तो उसे इस बात पर प्रोफेसर रामेश की इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि क्या मनुष्य को विभक्त करके वापस उसकी मूल अवस्था में पाया जा सकता है, यही उसका प्रश्न था और मानव प्रक्षेपण यंत्र इसीलिए बनाया गया था, इसीलिए यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।